दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे विहार। कल यानी कि 24 दिसंबर उससे एक दिन पहले यानी कि 23 दिसंबर की रात्रि को महदीनगर के पूर्व विधायक, चार बार के विधायक रामचंद्र बाबू जी का निधन हो गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी शोक संतावना व्यक्त की और कहा कि एक युग का अंत हो गया। ये तो मुख्यमंत्री जी की बात हुई। जब उनका पार्थिव शरीर उनके जन्म स्थल महदीनगर के कुरसाहा गांव में लाया गया तो देखिए कैसे वहां पर लाखों की संख्या में उन्हें चाहने वाले, उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ गई। आप देख सकते हैं इन वीडियो के माध्यम से वहां पर हजारों की संख्या में कैसे उन्हें चाहने वाले, उनके लिए एक झलक देखने के लिए उमड़े हुए हैं। हमने कल आपका एक वीडियो दिखाया था जो कहा जाता है कि रामचंद्र बाबू के हनुमान थे। आपने वीडियो कल देखा ही होगा। वो कितने उदास थे, चूंकि सिर्फ यह महदीनगर और कुरसाहा वालों के लिए नहीं अपितु यह मोहनपुर क्षेत्र जो महदीनगर के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, इतनी दूरी होने के, तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूरी होने के बावजूद जो काम अगर सिर्फ मोहनपुर की बात किया जाए, इतना काम अभी तक किसी ने भी ना किया, क्यों न याद करें कुरसाहा से लेकर उनके अंतिम विदाई मोहनपुर के ही सरारी घाट, माधोपुर सरारी घाट पर उनको अंतिम विदाई दी गई। वहां पर अब समझिए ये दूरी तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर। देखिए अब उनकी अंतिम यात्रा के लिए घर से निकल चुके हैं सब। तकरीबन लाखों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार थे। उसी में महदीनगर के पूर्व प्रत्याशी राम मोहन राय जी भी उनके साथ वहां से चले और हर कोई चाहता था उनकी इस यात्रा में, जो अंतिम यात्रा है, विदाई है, कंधे देकर इस क्षण को अपने जीवन में हमेशा के लिए उतार लें, क्योंकि रामचंद्र बाबू की शैली ही ऐसी थी। उनसे कोई व्यक्ति गुस्सा नहीं हो सकता था। इसलिए तो बिहार के मुख्यमंत्री जी भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। देखिए अंतिम विदाई में कैसे, कितनी सजावट है और कितने लोग, देखिए छत पर चढ़ चढ़ के लोग उन्हें देख रहे हैं। अब देख सकते हैं राम मोहन जी को कैसे वहां पर अगरबत्ती और जो पीतम्बरी बोला जाता है कि अंतिम दर्शन में को लेकर के वहां पर राम मोहन जी भी है, कांधे देते हुए भी आपको नजर आएंगे राम मोहन जी लगातार। देखिए वहां से चले हैं तो हम आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से छोड़े जाते हैं कि देखिए कैसे राम मोहन जी कांधा देते हुए लगातार वहां से माधोपुर सरारी घाट तक पहुंचे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक सच्ची श्रद्धांजलि के लिए, रामचंद्र बाबू जी की श्रद्धांजलि के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल ना हो सके कम से कम यह वीडियो देखें और जो उन्हें जानते हैं कम से कम उनके याद में 2 मिनट का मौन धारण करें और जो नहीं जानते हैं वो वीडियो के सहारे उन्हें उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।